नमस्कार, मैं शाश्वत मिश्रा, आपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ एक सच्ची कहानी लेके, सच्ची घटना लेके, जो कि अभी पिछले महीने की बात है। और ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर की। भरतपुर में एक लड़का था जो कि काफ़ी किताबों कापियों से प्यार करता था, काफ़ी पढ़ने लिखने में उसका मन लगता था। और उसका मन एक चीज़ और लगता था, और वो चीज़ थी क्राइम पेट्रोल देखना। उसको बहुत पसंद था। जब वो परेशान होता था, जब घबराता था, जब बोर हो जाता था, तो वो क्राइम पेट्रोल अक्सर देखता रहता था। लेकिन वो क्राइम पेट्रोल देखते देखते काफ़ी लंबे वक्त तक देखता रह जाता था, कई एपिसोड ख़त्म कर देता था देखते देखते। और ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद उसकी माता जी जो थी वो परेशान हो जाती थी, कहती थी इतना मत देखा कर, इससे जो है कि गलत इफेक्ट पड़ता है, इससे नए नए चोरी करने के तरीके जानते हैं लोग, इससे बहुत सारी चीज़ें बुराइयाँ भी मिलती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें एक्सटर्नल जो भी आप समझ सकते हैं, जो माता जी वो लोग बोलती हैं, वो उनकी भी माता जी बोलती थी। लेकिन लड़के ने एक चीज़ मन में बैठा लिया था उस क्राइम पेट्रोल को देखने के बाद, कि वो यूपीएससी का पेपर देगा। यूपीएससी की तैयारी करता था। अब उसने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया, उसने क्रैक किया यूपीएससी पेपर, और उसके बाद उसकी पोस्टिंग हुई प्रयागराज खुर नाम के जगह में। अब वहाँ पोस्टिंग होने के दौरान, जिस वक्त वो इंट्रोड्यूस हो रहा था सारे पुलिस वालों से, उसी वक्त एक माता पिता आते हैं और रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं उस आईएएस ऑफिसर के सामने, ऑफिस के सामने। तो इंट्रोड्यूस को रोक के वहीं, और आईएएस ऑफिसर कहता है कि वो कौन दो माता पिता हैं जो बाहर रो रहे हैं, उनको अंदर लाया जाए। उनको ऑफिस में लाया जाता है। ऑफिस में लाने के बाद आईएएस ऑफिसर पूछता है कि हाँ माता जी, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं, कौन सी परेशानी आपको है? तो माता जी ने कहा, एक मेरी बेटी थी जो कि 16 से 17 साल की उम्र थी, और उस बेटी का नाम था संतोषी। उसका किडनैप हो गया है, 17 मार्च 2022 की बात है ये। अब वो आईएएस ऑफिसर जो है कि कहता है, ठीक है माता जी, आप परेशान मत होइए, हम आपकी बच्ची को ढूंढ निकालेंगे, कोशिश करेंगे, बिल्कुल जहाँ तक होगी हम कोशिश करेंगे। अब माता जी को आश्वासन देने के बाद अब माता जी को घर भेज दिया जाता है। अब पुलिस वाले की भी माथा चकरा जाता है, पूरा सर घूम जाता है कि आखिर करें तो करें क्या, कैसे पता लगाए, जो पिछले यहाँ पे पोस्टिंग थी वो चले गए थे, अब नए पोस्टिंग इनकी हुई थी। अब काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने एक टीम गठन किया था, और उस टीम में कौन कौन थे आप सभी को बताएं। टीम गठित किए थे, उसमें थे एसआई पंकज कुमार, और कांस्टेबल हरीश, महिला कांस्टेबल सरोज मौर्या, और महिला कांस्टेबल कृति गुप्ता। ये चार लोगों की टीम गठित थी, चार नहीं पांच, इसमें आईएएस ऑफिसर भी है तो ये भी थे, तो पांच लोगों की टीम इसमें गठित हुई। गठित के दौरान फिर 4-5 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ, फिर उनके माता पिता आते हैं। माता पिता आने के बाद फिर से रोने लगे, सर कुछ पता चला मेरी बच्ची के बारे में? आईएएस ऑफिसर कहते हैं कि अभी कुछ पता नहीं चला फिलहाल, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कहीं से ना कहीं से कुछ पता। उस दौरान लड़की की माता जी ने लड़के जिस लड़के पे शक था, सुजीत नाम था उस लड़के का जिस पे शक जताया जा रहा था, उस लड़के की पोस्ट दिखाती है फेसबुक पे। फोटो को देखते दौरान आईएएस ऑफिसर की नज़र पड़ जाती है टाइमलाइन पे, और टाइमलाइन में ये पता चल जाता है कि फ़ोटो जो पोस्ट की गई है, जो उसकी माता जी फोटो पोस्ट दिखा रही हैं आईएएस ऑफिसर को, वो 24 घंटे पहले की पोस्ट है। अब आईएएस ऑफिसर के दिमाग में एक प्लान चलता है। अब वो क्राइम पेट्रोल देखा था, क्राइम पेट्रोल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटनाएं हुई हैं जिस तरह कैसे कैसे सॉल्व होते थे केसेस, तो कुछ तरीका क्राइम पेट्रोल का उसने अपनाया, और इसी अपनाने के तरीके से उस लड़की का पता किया गया। उसने एक फेक आईडी बनाई फेसबुक के, जो कि कोमल के नाम से। उस फेक आईडी को बनाने के बाद शाम बीतते बीतते, अभी शाम हुई भी नहीं थी, शाम तक अभी करीब मुझे लग रहा है 200-300 से ज़्यादा उस आईडी पे रिक्वेस्ट आ गए थे। काफ़ी सारे पोस्ट भी इन्होंने पोस्ट कर दिए। फिर बहुत अच्छी सी एक सुंदर सी डीपी लगा दी गई, और लड़की की प्रोफाइल होने के वजह से काफ़ी सारे उस पर रिक्वेस्ट आने लगे, और सारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। 500 से अधिक रिक्वेस्ट हो गए। फिर अगले दिन जो है, जब उस पर रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ गए, तो इन्होंने जिस लड़के पे शक था उस लड़के को फॉलो किया, कोमल। तो कोमल ने जब लड़के को सर्च किया और उसको एड फ्रेंड में किया, उस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, और इस कोमल ने जो है कि बस एक कमेंट किया, और उसी कमेंट ने उस लड़के के पूरे दिलो दिमाग को बदल के रख दिया। और वो कमेंट उसने ये किया कि क्या तुम पहले से इतने सुंदर हो या फिर किसी ऐप्स का इस्तेमाल किए हो? लड़के ने कमेंट पढ़ा, कमेंट पढ़ने के बाद उसने रिप्लाई दिया कि नहीं, मैं खुद हूँ उतना सुंदर हूँ। फिर धीरे धीरे उन लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता गया, फिर धीरे 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 लगाव बढ़ते बढ़ते बातचीत होने लगी, वार्तालाप होने लगी। होते होते कुछ दिन बीते, फिर लड़की ने कहा कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वीडियोज़ वगैरह कुछ तुमने आज तक बताया नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है,
तो लड़के को भी भरोसा हो गया था अब लड़की पे, काफ़ी दिन हो गए थे, तो इसी वजह से लड़के ने वीडियोस बनाई और वीडियोस बनाने के बाद लड़की को सेंड कर दिया, और वही वीडियोस में सबूत उसने गलती से सेंड कर दिया। और वो सबूत ये था कि जहाँ वीडियोस लड़का बनाया था उसके पीछे एक होटल था, होटल जो कि मुंबई में पड़ता था, वो होटल का नाम जो था पुलिस वाले ने ऑफिसर ने देख लिया, और उस होटल के नाम को उसने सर्च किया तो मुंबई में दिखा रहा था, तो मुंबई में दिखा रहा था। उसके बाद उसने ये तो पता चल गया कि वो मुंबई में रहता है। उसके बाद उस लड़की ने कहा कि अपना नंबर हमें दे दो, जब भी मुझे मन करेगा मैं तुमको कॉल कर लिया करूँगी। उस लड़की को भी भरोसा हो गया था, तो उस लड़की को अपना नंबर जैसे ही मैसेंजर पे सेंड करता है वो पुलिस वालों को मिल गया मैसेज, वो नंबर मिल गया। उसके बाद उस पुलिस वाले ने उस नंबर को ट्रेस किया, उसके सारे डिटेल्स वगैरह निकाले, तो डिटेल्स में एक नंबर था जिस पे काफ़ी कॉल की गई थी, और वो था मकान मालिक का नंबर, जिस घर में रहता था उसी मकान मालिक का नंबर। उस मकान मालिक को जो है कि फ़ोन किया गया, और पुलिस वालों के जरिए, पुलिस के जैसे वार्तालाप होती है, जैसे बताया जाता है, उसी प्रकार उसको समझाया गया, बुझाया गया कि हम लोग जो है कि प्रयागराज से बोल रहे हैं, पुलिस वाले हैं, आपके यहाँ एक लड़का रहता है, वो किसके साथ रहता है, क्या करता है, आप हमें बता देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, नहीं तो हमें सख्त कानूनन कार्रवाई करनी पड़ेगी, आप बेटर होगा कि आप बता दीजिए, आपको कुछ नहीं किया जाएगा। काफ़ी प्रेशराइज करने के बाद उस मकान मालिक ने सारी चीज़ें बता दी, और जब उस जगह पहुंचा गया, जाने के बाद उस लड़की को वहीं पाया गया, उसी होटल में उस लड़के के साथ रुकी हुई थी। उस लड़की को घर पे लाया गया, उस माता पिता को लड़की सौंप दी गई, और लड़की को सौंप देने के बाद उस लड़की ने घर पे जाके सारी बातें बताई, तो उस लड़की के माता पिता ने बहुत बहुत धन्यवाद किया आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर का नाम था चिराग जैन। तो चिराग जैन जो थे बहुत ही अपने दिम सूझबूझ से ये सारे केस को हैंडल किए, क्राइम पेट्रोल को देखते हुए ही। तो क्राइम पेट्रोल गलत नहीं है, बहुत बेटर है, बस आप किस प्रकार से उसको देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बहुत ही सराहने की काम किए, जो कि पहली पोस्टिंग थी चिराग जैन की, बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने प्रयागराज में। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं, 17 मार्च 2022 की घटना है, और इसके दौरान बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने किया। और ये कहानी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचाना उद्देश्य नहीं है, इससे यही दिखाया जा रहा है कि आप जागरूक होइए, आप कहानियों को देखिए, आप जागरूक होइए कि ऐसी फालतू चीज़ों में आप कभी ना फंसे। वो लड़का जो है लड़की से प्रेम नहीं करता था, यदि प्रेम करता तो दूसरी लड़की से बात नहीं करता। तो आप जागरूक होइए, इन सब फालतू चीज़ों में ना फंसिए, और हमारे देश में ऐसे आईएएस ऑफिसरों की बहुत ज़रूरत है। पहली पोस्टिंग बता दी कि क्या पोस्टिंग होती है, और इस टीम के मेंबर लोगों ने बता दिया कि क्या पोस्टिंग होती है। तो इसी के साथ मैं शाश्वत मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत